मैं पूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। उमरिया जिले में पुलिस एवं फॉरेस्ट विभाग के द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जिले में निरंतर हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर वाहनों को जब्त करते हुए यातायात पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बड़ी कार्यवाही की है। कार्यवाही के दौरान 3 हाईवा एवं 4 ट्रैक्टरों को मौके से जब्त करते हुए कार्यवाही की गई है। वही यातायात पुलिस प्रभारी अमित विश्वकर्मा ने बताया कि देर रात चंदिया थाना क्षेत्र के ग्राम झा से 2 ट्रैक्टर रेत लोड करके चंदिया की ओर आ रहे थे, जिन्हें जब्त करते हुए चंदिया थाना परिसर में रखा गया। वही पत्थर की गिट्टी ओवरलोड करते हुए 3 हाईवा वाहन मेन रोड पर जा रहे थे, जिन पर भी कार्रवाई की गई है। वही वन विकास निगम जिला फॉरेस्ट अधिकारी के निर्देशन में फॉरेस्ट टीम द्वारा फॉरेस्ट क्षेत्र में अवैध उत्खनन करने वाले 3 ट्रैक्टरों वाहनों को मौके से जब्त करते हुए वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है एवं तीनों ट्रैक्टर वाहनों को वन विकास निगम के डिपो में रखा गया है। वही वन विकास निगम के डिप्टी रेंजर संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि फॉरेस्ट क्षेत्र में अवैध उत्खनन को लेकर निरंतर शिकायतें मिल रही थी, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर ग्राम मझोली खुर्द से राजेश महार का एक ट्रैक्टर एवं ग्राम मगर निवासी गुलाब सिंह का ट्रैक्टर और ग्राम छतेनी निवासी पप्पू सिंह का एक ट्रैक्टर कुल 3 ट्रैक्टरों को हरवाह पीट के कच्छ क्रमांक 804 से जब्त करते हुए कार्रवाई की गई है। इसी उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट है। ये बार बार वहाँ से शिकायतें आती रहती थी, यहाँ काफी क्षेत्र में वनों में खनन होता है रेत का, तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन पर दिए गए निर्देश के मुताबिक हम लोगों ने सघन गश्ती किया और ट्रैक्टरों को जब्त किया। इसके पूर्व भी हम लोगों द्वारा कई ट्रैक्टर जब्त किए गए, जिनकी रासात की कार्रवाई प्रस्तावित है। इसमें अभी हाल ही में 2 ट्रैक्टरों का रासात की कार्रवाई भी पूरी हो गई है और अभी जैसा अधिकारी निर्देश देंगे, हम लोग तो वन अपराध रोकने के लिए रात दिन गश्ती में लगे हुए हैं। 3 ट्रैक्टर पकड़ के लाए हैं अपने स्टाफ के साथ, तो वन अधिनियम के तहत इन पर हमने जब्ती कार्रवाई की है और प्रकरण पंजीबद्ध किया है और 3 ट्रैक्टर को ला करके हम उमरिया वन विकास निगम काष्ठागार में खड़ा कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार जो भी अवैध उत्खनन हो रहा था उस संबंध में हमको जानकारी मिली थी तथा इसी संबंध में कल शाम को करकेली में 2 ट्रैक्टर हमने जब्त किए जिनके पास कागज नहीं थे, उसको हमने थाने में खराब किया है। इसी संदर्भ में हमें चंदिया क्षेत्र में सुबह जानकारी मिलने पर 2 ट्रैक्टर रेत वहाँ से परिवहन कर रहे थे, जिनके पास भी कागज ना होने का हमने उनको थाना क्षेत्र चंदिया में खड़ा किया है। इसी दौरान 3 वाहन ओवरलोड गिट्टी से जा रहे थे, जिनको हमने चंदिया क्षेत्र में ही खड़ा किया, उनके पास भी उनके ओवरलोड की कार्रवाई की जा रही थी।